इलेक्शन में कैंडिडेट बहुत परेशान होता है, हम भी परेशान होते हैं, तो इंटरव्यू देने में कभी कभी कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो शायद जो बोलना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। वो देखिए, हम लोग कांग्रेसी लोग हैं, हम लोग जो भी करते हैं अपने संसाधन से करते हैं, हम लोग चंदा चकोरी नहीं करते। ये 62 साल का मेरे वालिद और हमारा ये रिकॉर्ड है। कोई मेरा क्लेम ये है कि पूरे बिहार में मेरे लोकसभा का आधा भी कोई दूसरा एमपी के यहाँ काम नहीं हुआ है, ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम बार बार अपने इलाके में घूमे, हर इलाके में घूमे और हर इलाके में काम करा। लोग कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जाके खड़ा हो जाता है। अरे भाई, खड़ा हो जाता है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किशनगंज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और वहाँ का जो प्रतिनिधि है वो अपनी आवाज़ उठाए खड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज का हमने रिक्वेस्ट किया था, और नामांकन के बाद भी आप लोगों में से कुछ लोग हमारा इंटरव्यू के लिए बोले थे और उसके बाद भी बोले थे, लेकिन आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट को माना और आज आए हैं आप लोग। तो जैसा कि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में कैंडिडेट बहुत परेशान होता है, हम भी परेशान होते हैं, तो इंटरव्यू देने में कभी कभी कुछ ऐसी बात निकल जाती है जो शायद जो बोलना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। वो सिर्फ मैं नहीं, सभी कैंडिडेट के साथ हो सकता है ऐसा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको रिक्वेस्ट करें कि आप आएँ, जो भी सवाल आते हैं, जितना का हम सवाल दे सकते हैं वो हम दें, और आप जो पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ जानकारी चाहिए होगा, अगर हम अपने तरफ से कुछ कहेंगे तो वो भी हम कह लेंगे इस मौके पे। और तो आप लोग शुरू करें प्लीज़। सर, कांग्रेस ने आपको दोबारा चांस दिया है, जी जी, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि ये कोई आम इलेक्शन नहीं है। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का, और पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने फिर दोबारा मुझे किशनगंज से लड़वाने का फैसला किया है। एक तो बात हो गई, दूसरी बात ये है कि ये आज़ादी के बाद अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है वो आज का इलेक्शन है, और ये हम नहीं, आप में से कई पत्रकार बंधु ये बोल रहे हैं, और वही नहीं, बीजेपी आरएसएस के लोग बार बार चुने हुए एमपीज बोल रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। भाई, हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, हम दावा नहीं करते कि हम जीतेंगे, इलेक्शन से पहले हम दावा नहीं करते, और हमारे कांग्रेस पार्टी या आरजेडी पार्टी या जो भी हमारे सहयोगी हैं कोई दावा नहीं करता है कि हम जो है इतना सीट यहाँ जीतेंगे, इतना सीट उस स्टेट में जीतेंगे। और दूसरी तरफ मोदी जी के तकरीर में आपने सुना होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में सुना होगा कि वो 400 पार। तो भाई, वोट क्या वही लोग देंगे या ईवीएम में वही लोग बटन टिपेंगे या आम आदमी के लिए त्यौहार है? हम तो ये जानते हैं कि इलेक्शन जो है हर हिंदुस्तानी का एक एक वोट है, जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, और वो फैसला करेगा कि भाई वो किसको देना चाहता है। तो ये कह देना सरेआम बार बार, ये तो भाई आप हिंदुस्तान के पब्लिक को आप बेवकूफ़ समझते हैं और उसको इंसल्ट करना चाहते हैं कि भाई तुम चाहो या ना चाहो, हम जो है अपने आप को 400 पार गिर रहे हैं। आप पूछें प्लीज़, किन मुद्दों को लेकर के आप आम लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा बहुत है। एक तो हमारा जो इलाका है, ख़ास करके अभी तो रोड पुल वगैरह बनस्पत बाकी बिहार के इलाकों से बेहतर है, लेकिन जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यूथ के लिए जॉब्स नहीं है,
जो लोन हमें हमारे यूथ को मिलना चाहिए, हमारे जो कारोबारी भाई बंधु हैं उनको मिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। बनस्पत दूसरे राज्यों के, चाहे वो आप गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, या महाराष्ट्र तमिलनाडु की बात करें, उसके उसके तुलना में हमारे स्टेट को और ख़ास करके हमारे सीमांचल के इलाके में लोगों को, हमारे लोगों को बहुत कम दिया जा रहा है। अगर भाई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो हम भी काम कर सकते हैं, हम भी ईमानदारी से अपना जो है बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन सरकार का जो सहयोग है वो सहयोग हमको भी मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जो हम लेके चल रहे हैं। और एक ये भी है कि हम चाहते हैं कि किशनगंज हमारा, हम लोग सब लोग जानते हैं कि किशनगंज बिहार का एक कोना है जो बिल्कुल बिहार से थोड़ा अलग है। किशनगंज सीमांचल, यहाँ पे हम लोग भाईचारगी से साथ रहे हैं और रहते आ रहे हैं। बहुत तरह की कोशिशें हुई यहाँ के लोगों को बरगलाने की, लेकिन हम लोग की भाईचारगी बरकरार रही। हम लोग की कोशिश रही कि यहाँ किसी तरह का जो इल्लीगल काम ना हो सके वो हम लोग रोकने की हमेशा कोशिश की। और हम लोग चाहते हैं कि ये उतना ही पाक साफ जगह रहे सबके लिए। सब हम लोग हिंदुस्तानी यहाँ पे हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं। सीमांचल में जितने लोग हैं, ख़ास करके किशनगंज लोकसभा जिसका मैं, आप लोगों ने पिछले मर्तबा प्रतिनिधि बनाया, उसका मेरा दायित्व है कि हम लोग इसको पीसफुल रखें, खुशहाल रखें, एक दूसरे के भावनाओं से को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को मदद करें। तो ये माहौल हम चाहते हैं। पिछले दफा आप चुनाव में आए थे तो लोगों में काफी नाराजगी है कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस का ये घर रहा है, बावजूद इसके जो है लोग कहते हैं कि सांसद जी नजर नहीं आते हैं, तो सिर्फ चुनाव के समय में ही सांसद जी आते हैं, उसके अलावा नजर नहीं आते। एक चूक हो गई मुझसे, चूक ये हो गई कि मेरे गाड़ी में वो जो मैं डायरी मेंटेन करता हूँ कि किस तारीख को तेल भरा, कितना किलोमीटर पे भरा, उसका फोटोकॉपी मैं आप लोगों के लिए लाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था ये सवाल हो सकता है आप लोग करें। देखिए, हम लोग कांग्रेसी लोग हैं, हम लोग जो भी करते हैं अपने संसाधन से करते हैं, हम लोग चंदा चकोरी नहीं करते। ये 62 साल का मेरे वालिद और हमारा ये रिकॉर्ड है, कोई आपको इलाके में कहीं पे भी ये नहीं कह सकता है कि इस तरह की हम लोग करते हैं। हमारा एक एक प्लीज, हमारा ये कोशिश रहा है कि हम लोग हर कोने में जाएं। अब इलाका बड़ा है, आप लोग जानते हैं, जिसमें से एक साल लगभग हम लोग कोविड में जितना घूम सकते थे उतना नहीं घूम पाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ताज्जुब होगा, ये पिछले 5 साल में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर हमने चला। अब ये बात अलग है कि हम अकेले गाड़ी लेके चलते हैं, आप 5 गाड़ी लेके जाएंगे तो उतना हम घूम नहीं पाएंगे। भाई, हर चीज़ के लिए संसाधन चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग जाते हैं तो उसका प्रचार प्रसार कम करते हैं। कभी कभी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, जैसे 2 आदमी का हम लोग से मुलाकात हुआ, 10 आदमी का मुलाकात हुआ, वो सब हम लोग नहीं डालते। जहाँ प्रॉपर मीटिंग होती है उसका हम लोग जिक्र करते हैं। तो वो लोगों में ये आजकल वीडियो से बहुत कुछ होता है। अब मोदी जी देखिए, शाइनिंग इंडिया, भाई हम लोग बदहाल हैं लेकिन शाइनिंग इंडिया, कौन सा इंडिया भाई, कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ शाइन हो रहा है, तरक्की कर रहा है, बढ़ता है हिंदुस्तान, और पता नहीं क्या क्या उनका स्लोगन रहता है। तो उस तरह का तो हमें कहीं दिखने को नहीं मिलता। तो हम लोगों की ये रही है, कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, और उसका नतीजा ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने काम मांगा है अपोजिशन का। अकेले हम लोग यहाँ रहते हुए किशनगंज वासी, हम लोग ने सबसे ज़्यादा रोड, सबसे ज़्यादा पुल, सबसे ज़्यादा कटाव, सबसे ज़्यादा स्कूल वगैरह का हमने मांग किया है। अगर आप तुलना करेंगे PMJSY का, तो हम लोग जो सेकंड है बिहार में, उससे कई गुना ज़्यादा। अभी हाल ही में 471 पुल पास हुआ, 1/3 पुल आपका एक अकेला लोकसभा क्षेत्र में है, वो कैसे है? हम घूमेंगे नहीं, आपसे मिलेंगे नहीं, आपसे जानकारी नहीं लेंगे और उसको लिखेंगे नहीं, अफसर को फॉलोअप नहीं करेंगे, दिल्ली में उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कहाँ से काम मिलेगा? वो भी ऑपोजिशन के एकमात्र लोकसभा को। तो ये ऑपोजिशन का एक प्लॉय है, एक तरीका है
कि भाई हर चौक चौराहे पे ये सगुफा छोड़ देने का है कि भाई ये आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों में राहुल जी को ये आरएसएस और आदरणीय मोदी जी की मीडिया ने किस तरह उनको जो है एक लफ्ज़ से मशहूर कर दिया। लेकिन अगर तुलना दोनों में करें तो वो लफ्ज़ मोदी जी के लिए ज़्यादा लागू होता है, बनस्पत पढ़े लिखे जानकार इंटेलेक्चुअल मेहनती ईमानदार राहुल गांधी के। तो ये प्लॉय है लोगों को गुमराह करने के लिए। और सबसे अफसोस की बात ये है कि जब पिछला इलेक्शन मैं लड़ा था तो आज से 30 साल पहले 1995 में इलेक्शन में जो हमारे लिए दुष्प्रचार हुआ था कि हाथ मिला के साबुन से उसी वक्त होते हैं, भाई आप लोगों से तो 200 साल से हम मिल रहे हैं, कभी आपने कहीं देखा या आप लोगों से हाथ मिला के कहीं इस तरह का किया? बोलते हैं कि भाई ये बोलना ही नहीं जानता है, ना उर्दू जानता है, ना हिंदी जानता है, ना अंग्रेजी जानता है, ये इसको भेज के क्या करेंगे? आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, इस 5 सालों में बिहार में सबसे ज़्यादा सवाल किसने उठाया, सबसे ज़्यादा अलग अलग मुद्दे हर मुद्दे पे किसने सदन में बोला, चाहे वो माइनॉरिटी का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे हेल्थ का मुद्दा हो, चाहे हमारे लोकल मुद्दे हों, चाहे नेशनल मुद्दे हों, ट्रिपल तलाक में यूएपीए के ख़िलाफ़ ये जो अतिक्रमण किया जा रहा है, वफ की ज़मीनों के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई, जो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, जो कब्रिस्तानों पे जो जो इनको तमाशा चल रहा है, ये सब सबके ख़िलाफ़ हमने उठाई आवाज़। एमयू का मामला हो चाहे एमयू का मामला, सबसे अहम हमारे लिए एमयू का मामला रहा। एमयू के मामले के बारे में आप लोगों ने बीच बीच में हमसे पूछा, एमयू का हमने स्पीकर से लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, लेकिन बाकियों को हमने अपॉइंटमेंट भी मांगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 5 साल इलेक्शन में बिज़ी रहते हैं, 18 घंटा काम करते हैं लेकिन 22 घंटा जो है इलेक्शन में बिज़ी रहते हैं, तो उन्होंने भी टाइम नहीं दिया इसको लेके। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, माइनॉरिटी मिनिस्टर है, सबसे हमने कई मरतबा, आपने फ़ोटो भी छापा, जो हमने मिला लिखा गुहार की, इसके अलावा वाइस चांसलर दो बदल गए, उनसे मुलाकात की, जाके मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया, रजिस्ट्रार से हमने अपील की, यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी थे बिहार के और जो भूमि मंत्री थे उनको लिख के कहा कि भाई जब तक एनजीटी का रोक नहीं तब तक आप नीतीश जी को हमने लिख के दिया, आप चाहिएगा मेरे ऑफिस से चिट्ठी निकाल। एक मिनट वही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जब तक एनजीटी का रोक नहीं है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमको 10-25 एकड़ का सटा हुआ प्लॉट है जो एनजीटी के तहत नहीं आता, वो हमको सिर्फ उसमें से 10 एकड़ दे दीजिए ताकि हमारा जो लगभग 450 करोड़ मिलने का है वो मिल जाता, लेकिन कहीं से कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिल के कहा कि सर एक ऑफिसर जो दीजिए जो हमको कोऑर्डिनेट करे। जब हम एमपी बने तो हमको ये पता चला कि मुर्शिदाबाद मल्लापुरम में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ दिया गया, तो हमको पता चला कि भाई हमें क्यों नहीं मिला। फिर हम गए चेयरमैन यूजीसी के पास, उसका भी तस्वीर और चिट्ठी आप लोगों ने डाला प्रेस में, उनसे गुहार लगाई तो उनसे चिट्ठी आया कि एएमयू ने तो मांगा ही नहीं आपके लिए। फिर वाइस चांसलर से हमने बात की, उनको चिट्ठी लिखा कि भाई आप मांगिए। उसी तरह फंड के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर से जवाब मिला, एजुकेशन मिनिस्टर से जवाब मिला कि भाई एएमयू ने तो मांगा ही नहीं, इसको हेफा के अंडर होना चाहिए। तो ये सिलसिला 5 साल चला। अभी मिनिस्टर जब जब हम मिले पिछले 1 साल से प्रधान जी से, हर मौके पर बोले जावेद भाई अभी करते हैं, लेकिन अब आप जानते ही हैं मोदी जी का वादा जो होता है वो जुमला होता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इलेक्शन है इनकी सरकार हटेगी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट मांग है, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, हमारे बच्चे IAS IPS बन रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही, हम लोग गरीब इलाके से गरीब लोग हैं, अगर हमारे यहाँ AMU का शाखा खुल जाता है और अच्छे से पढ़ाई होती है, तालीम होती है, तो हमारे भी बच्चे IAS IPS ज़्यादा तादाद में बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर वकील तो हर घर में है हमारे यहाँ, एजुकेशन का इतना
फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद भी तो संसदीय सीट लगातार हमेशा सुनती हो रही है। जब भी चुनाव आते हैं तो वोटों की ड्रिलिंग की कोशिश यहां पर होती है और यहां से मैसेज पूरे बिहार को दिया जाता है, उसको सर कैसे काटने का काम करेंगे? देखिए हम लोग देखिए दोनों पार्टी आप जानते हैं, आप खुद ही कह रहे हैं दोनों एक ही तरह की बात करती है। हम लोग कांग्रेसी हैं, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था अपने खून पसीने से, बलिदान दिया, फांसी पे चढ़े, और ये लोग वो लोग हैं जो माफ़ीनामे मांगते हैं, जो नौ नौ चिट्ठियाँ लिख के माफ़ी मांगते हैं, उनके जो गुरु हैं उनकी क्या कहते हैं उनके फॉलोअर्स हैं। तो हमारा तो ये हम एहसास करते हैं कि इस आज़ादी में सबका बराबर का योगदान है और हम लोगों ने हमेशा सबको साथ लेके चला है। हमने कभी एक मज़हब को दूसरे मज़हब से अलग नहीं किया है, हमने कभी किसी एक जाति को दूसरे जाति को अलग नहीं समझा है, हमने सबके साथ काम किया है, सबको मदद किया है। और हमारा फोकस रहा है कि हम लोग गरीबों के लिए, जो जिनके पास कम फैसिलिटीज़ है कम सुविधा है, उनके लिए ज़्यादा हम ये करेंगे। आपने देखा होगा जब कांग्रेस का दौर था, हमने उस ज़माने में जब बजट हमारा 1 बिलियन का हाफ बिलियन भी नहीं था, तब हमने 70,000 करोड़ रुपया किसानों को माफ़ किया था। अब क्या हो रहा है, किसानों का 70 करोड़ तो दूर की बात है, हम लोगों से टैक्स वसूल करके जबरन दूध पे, पेंसिल कॉपी पे, अब बताइए बच्चों पे आप टैक्स लीजिएगा, दवाई अस्पताल पे आप टैक्स लीजिएगा, मरीजों पे आप टैक्स लीजिएगा, और वो पैसा आप किसको दे रहे हैं, पूंजीपति को। आप सुना ही होगा 16 लाख करोड़ रुपया किसका पैसा है, या हम सबों का, जो माचिस खरीदते हैं उसमें भी टैक्स लेते हैं ये सरकार। तो हम लोग तो ऐसा कभी नहीं किए, हमने भी टैक्स लिया, लेकिन हमने लोगों के लिए काम किया, आम लोगों के लिए किया। हम लोग छोटे छोटे जो व्यापारी है उनको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, छोटे जो इंडस्ट्रीस्ट है उसको लोन देके आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप 16 लाख करोड़, किशनगंज लोकसभा का वोटर की आबादी लगभग 16 लाख है, आप समझिए हम लोग सब लोग जितने हैं यहाँ सब करोड़पति हो जाते, क्या किसी का हक है? और अभी बॉन्ड के बारे में देखा ही, हमारी आमदनी है 100%, हम दे रहे हैं लाखों टका, हम ये सब तो घपला है ना। ये इलेक्शन पार्टी पार्टी का नहीं है, ये इलेक्शन एक आदमी का वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया का है। वो आदमी जो कहता है, गुरूर देखिए उसका, हम 400 पार करेंगे, वोट हुआ ही नहीं, हमको पता ही नहीं हम किसको देंगे, हमारे मन में है ना भाई वोट हम किसको देंगे नहीं देंगे। 2009 से 2019 अभी 24 में लगातार 19 तक 3 बार कंटिन्यू रहे कांग्रेस का ही मतलब सांसद रहा और ये गर्व मतलब मानदंडों से माना जा रहा है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए क्या विकास हो पाया इस इलाके का? देखिए मुझे आप लोगों ने 2019 में मनाया, आप पूरा रिकॉर्ड निकालिए, आप लोग पत्रकार हैं, और मेरा क्लेम ये है कि पूरे बिहार में मेरे लोकसभा का आधा भी कोई दूसरा एमपी के यहाँ काम नहीं हुआ है, ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम बार बार अपने इलाके में घूमे, हर इलाके में घूमे और हर इलाके में काम कराया, तो इसलिए डेवलपमेंट। लेकिन जो मैं सही माने में डेवलपमेंट मानता हूँ वो है हमारे यहाँ जॉब्स होना, हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होना, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ होना, रोड और पुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे जारा हो, हमने वो प्रोटेस्ट रखा। और जब लोग कहते हैं मजाक उड़ाते हैं जाके खड़ा हो जाता है, अरे भाई खड़ा हो जाता है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किशनगंज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और वहाँ का जो प्रतिनिधि है वो अपनी आवाज़ उठाए खड़ा है, लेकिन फिर भी ये जो कहता है कि हमने इतना यूनिवर्सिटीज़ बनाया है और इतना कॉलेजेस बनाया है, जो बना हुआ है उसके लिए पैसा नहीं दे रहे, हकीकत ये है। सांसद जी, जैसे यहाँ पर उद्योग कल कारखाना नहीं है, यहाँ के जो बेरोजगार है वो खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाते हैं, वहाँ पर डेथ हो जाता है, वहाँ तक लाश नहीं आ पाता। दूसरी बात, हिंदू आप पर क्यों विश्वास करें, एक उनका शमशान घाट नहीं बन पाया, लाश जलाने में परेशानी होती है। देखिए ऐसा है
कि चाहे मैं MLA रहा यहाँ पे या MP रहा, मैंने कभी कहीं भेदभाव नहीं किया। मेरे फंड से, मेरे क्या MP फंड से ज़्यादातर हमने इस मरतबा लाइट किया है, क्योंकि वो नाला ओला किसी को पता भी नहीं चलता था कहाँ होता है। लाइट में ये क्या है कि हाट में दिया, या किसी मदरसे के सामने दिया, किसी मंदिर के सामने दिया, किसी बस स्टैंड में दिया, इस तरह का दिया जहाँ हर मज़हब के हर लोग रहते हैं, हाट में ख़ास करके। तो हमारी ये हमेशा कोशिश रही है कि सब समाज को बराबर का हम लोग समझते हैं, और वो फंड किसी एक आदमी का नहीं होता, वो MP लिख सकता है, लेकिन वो आपके हमारे सहयोग से लिख सकता है। आप जायज़ा लीजिए, किशनगंज में ही जहाँ जहाँ हमने लाइट लगाया, आप ही लोग के मशवरे से लगाया, कहीं पे भेदभाव दिखता है आपको? नहीं, भेदभाव नहीं, शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट में भी बेरोजगार, मतलब गरीब, बेरोजगारी में बेरोजगार कर रहा है, लाश नहीं जा पाता है, वहीं पर ही अंतिम संस्कार किया जाता है। नहीं, कई जगह से हम लोगों ने लाश, जहाँ जहाँ हम लोगों को पता चला, आप मेरे ऑफिस में जाइए, अब डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने खुद एम्बेसडर्स को चिट्ठी लिखा, वहाँ के जो और अफसरान हैं उनको, उनसे बातें की, एम्बेसडर से बातें की, कई जगहों से हम लोगों ने मंगाया, और कई जगह जो अरेस्ट हो गए थे उनको भी छुड़वाया, कई जगह यहाँ से ले गए किसी और काम के लिए, इंजीनियर कह के ले गए इंजीनियर को, लेकिन वहाँ मजदूरी करवाते थे। तो वो कई केसेस हैं जो हम लोगों को जानकारी मिली और हम लोगों ने उनको वापस करवाया। पर जैसा कि किशनगंज जिले का स्थिति है चुनाव को लेकर के, और कई पार्टियां हैं आपके सामने जो भिड़ंत होने वाला, तो ऐसे में क्या कांग्रेस का जो किला है इस बार बचा पाएंगे? कांग्रेस का किला मेरे बचाने के लिए सिर्फ नहीं है, ये कांग्रेस का किला आप सबों का किला है, और आप लोग ने बचाया, आपके माध्यम, मतलब हम लोग जो किशनगंज के निवासी है, हम लोगों ने हमेशा बचाया। उस आंधी तूफान में जब 19 में सिर्फ दो बिहार में जीते थे, उसमें आप लोगों जीते थे, और जब पूरे बिहार में 19 में एक ही जीते तो आप लोग जीते, तो किला हम नहीं बचा रहे, किला आप लोग बचा रहे। चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, पार्लियामेंट में हो, चाहे बिहार के अफसरान से मिलना हो, या मिनिस्टर से लिख के मिलना हो, काम की बात की हो, या काम लाया हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम हम तो लोगों को कहते हैं कि भाई जो काम कराओ, हमारे यहाँ ये नहीं कि कल लेके आइएगा, आप लाइए, उसी वक्त हम दस्तखत करते हैं, उसी वक्त दस्तखत करते हैं, मोहर रखते हैं, वहीं पे मोहर लगा के लोगों के बीच में दे देते हैं। और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो DM SP साहब या अफसरान हैं उनको डायरेक्ट हम लोग फ़ोन करके भी कर देते हैं, कभी व्हाट्सएप भी कर देते हैं। ये करने के बाद हमारे यहाँ किसी का काम 2024 में क्या घोषणा कर रहे हैं सर, जनता चुनती है तो क्या क्या काम करेंगे? देखिए, हमारा तो फोकस दो चार चीज़ों पे है। हमारा फोकस है कि रोड और पुल पुलिया तो हम लोग लाते रहेंगे और उसको हम लोग प्रायोरिटी में लेंगे, महानंदा बेसिन जल्द से जल्द शुरू हो, और जो तरीका वो अपनाया है वो तरीका नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो रिवर बेड है उसको डिमार्क करें और उसको डिसिल्ट करके उस पर वॉल लगाए या बोल्डर पिचिंग करें, ये हो गया। एजुकेशन में हम चाहेंगे कि AMU शाखा पे जल्द से जल्द जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको जल्द से जल्द दिया जाए। ये 5 सालों में हमारा ये एक उपलब्धि है कि वहाँ पे 11th की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होती थी वो हम लोगों ने वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट करके लिया, जिससे पहले ही साल में लगभग 2200 बच्चों ने यहाँ इम्तिहान दिया, उसके बाद फिर और कितना कितना दिया उसका फिगर नहीं है मेरे पास। तो ये उपलब्धि है हमारी, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके अलावा हम लोग अब देख रहे हैं कि हम लोग के तरफ अब धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ भी आने शुरू हो गए, वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ हम लोग पीसफुली रहते हैं, कोई अपना उस तरह का डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये शुरुआत हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 सालों में जो हम लोग अगर माहौल को इस तरह का रख पाए, कांग्रेस को मजबूत कर पाए, तो मुझे यकीन है कि हमारे जो लोग लाखों की तादाद में जा रहे हैं उनकी तादाद घटेगी, और हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, अगर हमारी सरकार बन गई सेंटर में, तो हम उम्मीद करते हैं पहला 2-4 महीने में हमारा जो फंड रिलीज करने का है वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो हम लोग करा देंगे इंशाल्लाह। और हॉस्पिटल में भी
आपने देखा होगा एम्स के बारे में हर वक्त हमने गुजारिश की कि भाई पूरे बिहार में 200 एकड़ की ज़मीन सिर्फ किशनगंज के प्रशासन ने आपको तोहफा दिया था, लेकिन एम्स तो छोड़िए, आप जो है हर ज़िले में मोदी जी कहते थे हम मेडिकल कॉलेज देंगे, हमारे यहाँ तो एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं सरकारी, तो उसकी भी आवाज़ हमने बार बार लगाई। तो और इस तरह के मुद्दे हैं जो हमारे जो हमने बार बार उठाया, अगर आप लोग मौका दीजिएगा तो इसको और बुलंदी से हम लोग उठाए। सर मुकाबला किसके साथ होगा? मुकाबला हम लोग 12 कैंडिडेट, हम किसी को कमज़ोर नहीं समझते, सभी लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे, हम लोग भी अपनी बात रखेंगे, वो लोग भी अपनी बात रखेंगे, और लोगों को फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं। थैंक यू।